और अब आपको सीधे जयपुर की तस्वीर दिखाएंगे, जहां कांग्रेस सरकार के खिलाफ वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। ये देखिए, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन। काफी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। हालांकि पुलिस बल की वहां पर तैनाती है, बैरिकेडिंग भी की गई है, उन लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। भारी तादाद में देखिए पुलिस बल वहां नजर आ रही होगी आपको। और बीजेपी राजस्थान में लंपी वायरस के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन है। विधानसभा के बाहर ये प्रोटेस्ट जयपुर में बीजेपी का चल रहा है। कहा जा रहा है कि लंपी वायरस को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में नाकाम है राजस्थान की कांग्रेस सरकार, और इसी के खिलाफ बीजेपी का गुस्सा आज सड़क पर फूटा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ध्वज आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ध्वज, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, भाजपा का बड़ा प्रदर्शन है, लंपी को लेकर भाजपा का बड़ा प्रदर्शन जो है भाजपा कार्यालय से रवाना हुआ है। कार्यकर्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यकर्ता पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस से गुट्टम गुट्टा करते नजर आ रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भाजपा के कार्यकर्ता है पुलिस से गुट्टम गुट्टा हो रही, बहस हो रही है उनसे, और पुलिस बल जो है पूरी तरीके से यहाँ तैनात है, यहाँ 3 लेयर की सुरक्षा कर रखी है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस की बैरिक एक लेयर की जो बैरिकेडिंग है उसे तोड़ा गया है, और उसके बाद में यहाँ जो महिला कार्यकर्ता है, पुरुष कार्यकर्ता है, ये लंपी को लेकर जो सरकार का जो रुख है उसको लेकर पूरी तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ पर ये बीजेपी के कार्यकर्ता विधानसभा भवन की तरफ कूच करना चाह रहे थे, और इस प्रदर्शन की इजाजत पहले से पुलिस प्रशासन ने दी थी क्या? देखिए, निश्चित तौर पर ये इनका जो प्रदर्शन है विधानसभा कूच का प्रदर्शन है, लेकिन विधानसभा से एक किलोमीटर पहले ही जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर रोक दिया है। और पूरी तरीके से जो इनकी परमिशन की बात की जाए तो परमिशन इन्हें नहीं दी गई थी, और ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई है ये विधानसभा से 1 किलोमीटर पहले ही इन्हें रोक दिया गया है, और अभी भी जो पुलिस और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं इनके बिल्कुल ध्वज आ रहा है हमारे संवाददाता इस वक्त, ये बहुत अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर में विधानसभा के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन, प्रदर्शन के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोरदार झड़प हुई है। राजस्थान में लंपी वायरस गोवंश पर कहर बनकर टूटा है, 70,000 से ज्यादा गोवंश की अब तक जान जा चुकी है, और अब इसके खिलाफ बीजेपी हमलावर नजर आ रही है राजस्थान की गहलोत सरकार पर।